फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि SSC और बैंक और CDS के एग्जाम में अक्सर आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो मैं सौरभ कुमार सिंह, जो कि आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा और ट्राई करूँगा कि आप लोग के सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ और वो सारे क्वेश्चन को मैं बता सकूं जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर हमारे SSC बैंक या किसी भी अदर एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टॉपिक है। तो टाइम एंड वर्क जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो हम लोग आज टाइम एंड वर्क को डिस्कस करते हैं, इसके बेसिक फंडा क्या है, इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है सॉल्व करने की, वो सब सारे डिस्कस करेंगे। और तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो उसी काम को वो दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। सो तो इससे मैं बस आप लोग के बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले लेते हैं कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 10 डेज में, और बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज। अब हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों ए और बी दोनों मिलके सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सो यदि हम लोग इस 10 और 15 का LCM लेते हैं तो हमारा LCM जो आता है वो 30 जाता है, ठीक है, जो कि 15 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और जो ये 30 आएगा, ये हमारा आएगा टोटल वर्क। अब ये जो टोटल वर्क है ये क्या है, ये जो ए जो है 10 दिन में जो जिस काम को कंप्लीट किया है वो काम है 30, 10 दिन में 30 काम को कंप्लीट किया है, और बी जो है 15 डेज में 30 वर्क को कंप्लीट किया है। अब जब ए जो है 10 डेज में 30 वर्क को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, ऑफकोर्स 30/10, सो 3 यूनिट वर्क वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। अब बी जो है उसी काम को जो 30 काम है इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में, तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा, 30/15 = 2 यूनिट पर डे। हमारा ए का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों जब साथ मिलके काम करते हैं, जब दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं, ए जो है 3 यूनिट काम कंप्लीट करता है, बी 2 यूनिट, दोनों मिलके 5 यूनिट एक दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब हमको कितना काम कंप्लीट करना है, 30 काम, क्योंकि यही टोटल वर्क है, इसी 30 काम को हमको कंप्लीट करना है, कराना है किससे, ए और बी दोनों से। जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 यूनिट पर डे कंप्लीट करते हैं, तो 30 काम को करने में उनको कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 5 यूनिट है तो 30 काम को करने में 30/5, तो हमारा ये आ जाएगा 6 डेज। जब ए और बी दोनों मिलके 30 काम को कंप्लीट करेंगे कितने दिन में, 6 दिन में, तो ये हमारा 6 डेज आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कुछ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है और ए और बी दोनों मिलके उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। सो बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को पलट दिया गया है, इसमें ए का हमको
दिन दिया गया है और ए बी दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करती है ये दिया गया है, लेकिन मुझे बी का नहीं पता कि बी कितने दिन में काम करता है। मुझे वही चीज़ निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग सेम मेथड जो एलसीएम मेथड हम लोग लास्ट क्वेश्चन में लगाए थे, सेम वो भी हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं। से मान लीजिए ए जो है 15 डेज लेता है काम को कंप्लीट करने में और ए प्लस बी दोनों मिलके 10 डेज लेता है कंप्लीट करने में। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। अब 30 काम ए जो है 15 डेज में कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 30 अपॉन 15 टू यूनिट पर डे। ये हमसे याद रखें कि ये 2 यूनिट पर डे का है, ए जो है पर डे 2 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है और ए और बी 10 दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है, 30। तो एक दिन में कितना करेगा, 30 अपॉन 10 = 3 यूनिट पर डे। अब जो ये 3 यूनिट पर डे है ये ए और बी दोनों मिलके काम कर रहा है, ठीक है, और हमारा ए का एक दिन का वर्क दिया गया है 2। तो बी का हम यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं, ए बी का कितना है 3 और ए का है 2, तो बी का कितना हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। ये किसका, ये 1 यूनिट किसका हो जाएगा, बी का। ये ए प्लस बी माइनस ए, तो ए और बी का कितना दिया हुआ है 3 यूनिट पर डे माइनस ए का, ए कितना है 2, तो बी का हमारा आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। अब कितना काम कंप्लीट करना है, ये 30 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अब ये टोटल वर्क हमें कंप्लीट कराना है किससे, बी से। बी एक दिन में एक यूनिट काम कर रहा है तो 30 काम को बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 अपॉन 1, तो 30 डेज। बी को इसी काम को कंप्लीट करने में 30 दिन लग गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसके ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट डिजिट चेंज कर देते हैं और ए बी की जगह कुछ नाम दे देंगे।